हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। इसे हमने ऊन के धागे से बनाया है और इसे बनाने में हमने चार कलर का यूज़ किया है, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। इसे हमने 40 फंदों से बनाकर तैयार करा है। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फंदे ज़्यादा लें। जितने ज़्यादा फंदे लेंगे डोरमेट उतना ही बड़ा बनकर तैयार होगा, लेकिन ध्यान रखें फंदे आपको चार के मल्टीपल में लेने हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर से सिलाई में 20 फंदे डाल लेते हैं। इस डोरमेट डिज़ाइन को आप पुरानी साड़ियों से अगर 60 फंदे में बनाएंगे तो ये बड़ी साइज़ में डोरमेट बनकर तैयार होगा। तो ऐसे ही हम पहले 20 फंदे डाल लेते हैं ग्रीन धागे से। ये हमने 20 फंदे ग्रीन कलर से डाल लिए हैं और अब यहाँ पर 20 फंदे हम ऑरेंज धागे से डालेंगे। तो बिल्कुल धागे को हमें ऐसे पकड़ना है इसके ऊपर और 20 फंदे हम यहाँ पर ऑरेंज धागे से डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 20 फंदे डालकर दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऑरेंज धागे से भी 20 फंदे डाल लिए हैं। अब हमारे पास सिलाई में टोटल 40 फंदे आ गए हैं। 20 फंदे हमने ग्रीन धागे से डाल लिए हैं और 20 फंदे हमने ऑरेंज धागे से डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं और यहाँ से अब हम ये ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से बुनेंगे और ग्रीन फंदे ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें ये फंदे बुनते जाना है। देखिए, हमने ऑरेंज कलर के ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम ग्रीन फंदे बुनेंगे। तो यहाँ से इस ऑरेंज धागे को हम ऐसे दबाएंगे और ग्रीन धागे को हम इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे। इसका आपको खास ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे पकड़ना है और इसके बाद में हम ग्रीन धागे से ग्रीन फंदे बुन लेते हैं। अब देखिए, इस ऑरेंज धागे को हम यहाँ से हल्का सा खींच देख कर टाइट कर लेंगे यहाँ से, जिससे कि ये फंदे यहाँ से खुले खुले नहीं लगेंगे, यहाँ से ये बंधे हुए फंदे लगेंगे। अब देखिए, यहाँ से ये ग्रीन कलर के सारे फंदे हम बुन लेते हैं। तो देखिए, हमने ये ग्रीन कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर से उसी तरह से ग्रीन फंदे ग्रीन धागे से और ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और इस साइड से भी ये पहला फंदा तो हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। और अब यहाँ से ये ग्रीन फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए, ग्रीन कलर के हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ग्रीन धागे को तो हम ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे और इस ऑरेंज धागे को इस तरह से खींचकर ऐसे क्रॉस में हमें आगे की तरफ कर लेना है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही हमें हर बार राइट साइड से कलर चेंज करना है। तो ये डोरमेट का सीधा साइड बनेगा, इस साइड से हर बार हमें ऐसे ही धागा चेंज करना है। अब देखिए, यहाँ से ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और ग्रीन धागे को यहाँ से खींच कर हम हल्का सा टाइट कर लेंगे और इस धागे को भी यहाँ से खींच कर हम ये वाला फंदा बुनेंगे, जिससे कि यहाँ से ये फंदे बंधे हुए रहें। इसे खींच के टाइट कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए, हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम तीन बार और बुनेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो एक लाइन बन गई है, यहाँ पर हमने दो सिलाइयों से जो एक लाइन बनाई है, बिल्कुल इसी तरह से हम तीन बार और बुन लेंगे, जिससे कि यहाँ पर ये चार लाइनें बन जाएंगी। और यहाँ पर इस साइड से और इस साइड से हर बार हमें उसी तरह से फंदा बदलना है, कलर चेंज करना है, जैसे कि हमने आपको बताया है। तो देखिए, एक बार हम आपको और बता देते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ से ये पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे और यहाँ से हम ये ऑरेंज फंदे बुनेंगे और ये जो हमने यहाँ से कलर ज्वाइंट करा है,
इसका जो ये सिरा है इसे हम बैक साइड में बुनाई में दबाते जाएंगे, जिससे कि बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। देखिए ऑरेंज कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं, अब यहाँ से ग्रीन कलर के फंदे बुनेंगे। तो ऑरेंज धागे को हम ऐसे दबाएंगे और ग्रीन धागे को हम इसके नीचे से ऐसा निकालेंगे, इसे इस तरह से खींच कर टाइट कर लेंगे और इसको भी हमें खींच कर ये पहला फंदा बुन लेना है। देखिए यहाँ से खींच के टाइट कर लेंगे और इसे भी, और यहाँ से ये जो ग्रीन कलर अटैच करा था इसका सिरा जो है इसे हम बैक साइड में ही बुनाई में दबाते जाएंगे। तो ग्रीन फंदे अब हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो देखिए इस साइड से भी हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ से ग्रीन फंदे ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो इस डिज़ाइन में आपको फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं हैं, जितने हैं उतने ही बुनने हैं। देखिए ये ग्रीन कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं, अब देखिए ग्रीन धागे को हम ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे दोनों सिलाइयों से और ऑरेंज धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से ऐसे आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से ये ऑरेंज फंदे हमें बुनने हैं और यहाँ से ग्रीन धागे को हम हल्का सा खींच कर यहाँ पर टाइट कर लेंगे और ऑरेंज धागे को भी खींच कर टाइट कर लेंगे, जिससे क्या होगा देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फंदे जो हैं वो बंधे हुए लग रहे हैं, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं लग रहे हैं। अब ये ऑरेंज फंदे हम बुन लेते हैं। देखिए सारे फंदे बुन लिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक और ये दो, दो लाइनें हमने यहाँ पर बना ली हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये तो हमने फंदे डाले थे वो वन लाइन है, यहाँ पर बुनाई की हमने दो लाइनें बना ली हैं। तो ऐसे ही हम दो लाइनें और बना लेते हैं, यानी कि एक लाइन हमने दो सिलाई से बनाई है तो दो लाइनें और बनाएंगे, यानी कि हमें आठ सिलाइयाँ और बिल्कुल इसी तरह से बुन लेनी है। तो हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दो तीन चार, चार लाइनें हमने यहाँ पर बना ली हैं। और अब यहाँ से हम 20 फंदे हैं हमारे पास ये ऑरेंज धागे से, तो 16 फंदे तो हम ऑरेंज धागे से ही बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से ये पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, इसे भी हम काउंट करेंगे। तो एक फंदा हो गया, ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह फंदे हमने ऑरेंज धागे से बुन लिए हैं। अब हमारे पास ये ऑरेंज कलर के चार फंदे बच गए हैं। अब देखिए ये चार फंदे हम पिंक कलर से बुनेंगे। अब यहाँ से हम पिंक धागा अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये एक फंदा बुन लिया हमने पिंक धागे से, ये दो तीन और चार, चार फंदे पिंक धागे से बुन लिए हैं। अब देखिए पिंक को तो हम ऐसे दबा लेंगे और अब यहाँ से चार फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे। तो अब यहाँ से हम क्रीम धागा अटैच करेंगे। तो ये एक दो तीन और ये चार, ग्रीन कलर के चार फंदे हमने क्रीम कलर से बुन लिए हैं। अब देखिए क्रीम कलर को तो हम ऐसे दबा लेते हैं और अब यहाँ से ग्रीन कलर के बाकी के जो बचे हुए फंदे हैं वो हम ग्रीन कलर से ही बुनेंगे। और अब देखिए यहाँ से जो हमने क्रीम कलर अटैच करा है इसे हम ऐसे बुनाई में दबा लेते हैं।
तो देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए इस साइड से, ये डोरमेट का सीधा वाला साइड है, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के धागे से हमें बुनना है। ग्रीन फंदे ग्रीन धागे से बुनेंगे, क्रीम क्रीम से, पिंक पिंक से, और ऑरेंज ऑरेंज से। और कैसे बुनना है ये हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कलर को चेंज करना है यहाँ पर। तो देखिए पहला फंदा तो हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं, और अब यहाँ से पहले हम ये ग्रीन फंदे ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए ग्रीन कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ग्रीन को तो हम दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ कर देंगे, ऐसे फिंगर से पकड़ के रखेंगे इसे, और क्रीम कलर के धागे को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। और अब यहाँ से ग्रीन धागे को हम हल्का सा खींच कर यहाँ पर टाइट कर लेंगे, और अब यहाँ से ये एक दो तीन और ये चार, चार क्रीम कलर के फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए क्रीम धागे को तो हम इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे, और पिंक कलर के धागे को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। तो अब यहाँ से ये जो चार पिंक कलर के फंदे हैं वो हमें पिंक धागे से बुनने हैं, और अब यहाँ से इस क्रीम कलर के धागे को भी हम यहाँ से खींच कर हल्का सा टाइट कर लेंगे। तो देखिए दो फंदे बुन लिए, ये तीन और ये चार, ये चार फंदे हमने बुन लिए हैं पिंक धागे से। अब पिंक धागे को तो हम ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे, और ऑरेंज धागे को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे, और अब यहाँ से हम ये ऑरेंज फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक बार बुना है, उसी तरह से हमें तीन बार और बुन लेना है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम तीन बार और बुन लेंगे। यहाँ से ये 16 फंदे तो हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे, फिर चार फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे, और फिर ये चार फंदे हम क्रीम कलर के धागे से बुनेंगे, और फिर ये फंदे हम ग्रीन कलर के धागे से बुनेंगे, और फिर इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुन लेना है। तो ऐसे ही हम तीन बार और बुन लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने दो सिलाइयों से एक लाइन बनाई है वैसे ही हमें तीन लाइनें और बनानी हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो हमने पिंक धागा यहाँ से अटैच करा था ना, इसका ये जो सिरा है इसे हम बैक साइड में ही बुनाई में दबा लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर ये क्रीम कलर के धागे को दबाया है बिल्कुल उसी तरह से। तो तीन बार और हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये एक दो तीन चार, चार लाइनें हमने बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ से हम 12 फंदे इस बार ऑरेंज कलर से बुनेंगे। तो देखिए ये पहला फंदा बिना बुने से ही उतार लेंगे, इसको भी हम काउंट करेंगे। तो एक फंदा हो गया, ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12, 12 फंदे हमने बुन लिए हैं। और इस बार ऑरेंज कलर के ये चार फंदे भी हम पिंक धागे से बुन लेते हैं। तो ऑरेंज को तो हम ऐसे दबा लेते हैं, और यहाँ से ये पिंक धागा अटैच करेंगे। तो एक दो तीन और ये चार, ये चार फंदे और हमने पिंक धागे से बना लिए हैं, और ये चार पिंक फंदे हम पिंक धागे से ही बुनेंगे। एक दो तीन चार, तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल इस बार 8 फंदे हो गए हैं पिंक धागे से। अब देखिए यहाँ पर ये क्रीम कलर के चार फंदे हम क्रीम धागे से ही बुनेंगे। एक दो तीन चार, और इस बार ग्रीन कलर के चार फंदे और हम क्रीम धागे से बुन लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक दो तीन और ये चार। अब देखिए यहाँ पर क्रीम धागे से भी हमारे पास 8 फंदे हो गए हैं, और अब यहाँ से हम ये ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ये डोरमेट का सीधा वाला साइड है, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेते हैं, ग्रीन ग्रीन से, क्रीम क्रीम से, पिंक पिंक से, और ऑरेंज ऑरेंज धागे से।
पहला फंदा हर बार की तरह बिना बुने से उतार लेते हैं और यहाँ से हम बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये एक बार बुना है, बिल्कुल उसी तरह से हम तीन बार और बुन लेते हैं। यहाँ से हम ये 12 फंदे ऑरेंज धागे से बुनेंगे, फिर ये 8 फंदे पिंक धागे से, फिर ये 8 फंदे क्रीम धागे से, और फिर ये 12 फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। और फिर से यहाँ से सिलाई को पलट लेंगे और फिर इस साइड से जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर से हमें बुन लेना है। तो ऐसे ही हम तीन बार और बुन लेते हैं। तो देखिए इसे यहाँ तक हमने बुन लिया है और यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4, यहाँ पर ये 1 2 3 4 चार लाइनें हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब इतना बनाने के बाद में अब यहाँ से इस बार हमें ऑरेंज कलर के 8 फंदे ही हमें बुनने हैं। तो देखिए यहाँ से ये पहला फंदा हम बिना बुने से उतार लेंगे, इसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इस बार ऑरेंज कलर के ये 4 फंदे हम पिंक से बुनेंगे। तो अब यहाँ से ऑरेंज को तो हम ऐसे दबा लेते हैं और पिंक से ये 1 2 3 4, ये 4 फंदे और हमने पिंक से बना लिए हैं। अब ये 8 फंदे जो थे हमारे पास पिंक के, ये भी हमें पिंक धागे से ही बुन लेने हैं। यहाँ पर ये 4 5 6 फंदे हमने बुन लिए, 7 8 9 10 11 और ये 12। इस बार हमारे पास 12 फंदे हो गए हैं टोटल पिंक धागे से। अब पिंक धागे को तो हम ऐसे दबा लेते हैं और अब यहाँ से हम ये क्रीम धागे से बुनेंगे। ये क्रीम कलर के फंदे हमें क्रीम धागे से बुनने हैं। तो देखिए एक फंदा हमने बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इस बार ग्रीन कलर के 4 फंदे और हम क्रीम से बुन लेते हैं। देखिए 8 तो ये हो गए हैं, 9 10 11 और ये 12। तो 4 फंदे और हमने बुन लिए हैं ग्रीन कलर के। तो यहाँ पर टोटल 12 फंदे हो गए हैं क्रीम धागे के। अब इस साइड भी पिंक धागे के 12 फंदे हो गए हैं और इस साइड भी 12 फंदे हो गए हैं क्रीम धागे से। और अब यहाँ पर जो हमारे पास ग्रीन कलर के जो 8 फंदे बचे हैं वो हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए सारे फंदे बुन लिए हैं हमने। और अब देखिए ये डोरमेट का सीधा साइड आ गया है और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुन लेना है हर बार की तरह। जैसे कि हम पहले बुनते आए हैं, ग्रीन फंदे ग्रीन धागे से, क्रीम फंदे क्रीम धागे से बुनेंगे और पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे और ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें 3 बार और बुन लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक लाइन बनाई है, बिल्कुल इसी तरह से हम 3 बार और बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 लाइनें हमने बना ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बार हम 4-4 लाइनें बनाते जा रहे हैं और इस साइड से 4-4 फंदे हम ग्रीन के क्रीम कलर से और ऑरेंज के इस साइड से पिंक कलर से बनाते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इस बार ऑरेंज कलर के 8 फंदे हैं यहाँ पर, तो 4 फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और इस बार ये 4 फंदे हम पिंक धागे से बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और अब यहाँ से ये पिंक फंदे तो हम पिंक धागे से ही बुन लेते हैं। तो ये हमने पिंक फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम
क्रीम फंदे बुनेंगे, तो क्रीम कलर के ये फंदे हम क्रीम धागे से बुन लेते हैं। अब देखिए इस साइड से इस बार हम यहाँ पर 8 फंदे हमारे पास ग्रीन कलर के, तो 4 फंदे हम क्रीम धागे से बुन लेते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। अब ये बचे हुए 4 फंदे हम ग्रीन कलर के धागे से बुन लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अभी डोरमेट का सीधा साइड है, तो इस साइड से हम जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने ये एक लाइन बनाई है ना, वैसे ही हम 3 लाइन और बना लेते हैं। जैसे कि हम हर बार बुनते आए हैं 4-4 लाइनें, वैसे तो 3 लाइन और हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर ये 4 लाइनें बना ली हैं, 1, 2, 3, 4। तो इतना बुनने के बाद में अब आगे हमें क्या करना है कि ये जो दोनों कलर हैं वो हमें इस साइड लाने हैं और ये दोनों कलर हमें इस साइड लेके जाने हैं। इस तरह से हमें बुनाई करनी है। आप चाहें तो इसे यहाँ से कट करके और फिर यहाँ से फिर से अटैच कर सकते हैं, और इनको कट करके आप इस साइड अटैच कर सकते हैं। ऐसे भी आप बुन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे कट नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही हम इसे बुनेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम यहाँ पर ये कलर चेंज कर रहे हैं। अभी देखिए ये ग्रीन कलर इस साइड हम ले आएंगे इस तरह से। तो ग्रीन धागे से अब हमें बुनना है, तो धागे को हम थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए हम यहाँ पर ले आते हैं। इसको हम डोरमेट का बैक साइड है, बैक साइड में ही हम इसे बुनाई में दबा देंगे, जिससे कि यहाँ पर ये लॉन्ग भी नहीं रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से यहाँ से बुनना है। अब देखिए ये जो ऑरेंज कलर के 4 फंदे हैं ये हम ग्रीन से बुन लेते हैं और ऑरेंज धागे को हम ऐसे दबा लेते हैं। तो देखिए ये 1, 2 और देखिए अब ये जो ग्रीन धागा है ना, इसे हम बैक साइड में बुनाई में दबाते हुए जाएंगे। तो देखिए ऐसे दबा लेंगे इसे और ऐसे बुनाई में दबाते हुए लेके जाएंगे आगे की तरफ। तो देखिए 3 फंदे बुन लिए हैं और ये 4, 4 फंदे हमने ग्रीन धागे से बुन लिए हैं। और अब यहाँ पर ये जो पिंक कलर के धागे हैं ये हम क्रीम कलर के धागे से बुनेंगे। तो यहाँ पर हम क्रीम कलर का धागा है उसे हम यहाँ से अटैच करेंगे। तो यहाँ से इसे भी हम हल्का सा लूज छोड़ देते हैं क्योंकि बैक साइड में हम इसे बुनाई में दबाते हुए लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये कलर हम अटैच कर लेते हैं और देखिए यहाँ से ये ऑरेंज धागा और ये पिंक धागा, इसे दबाते हुए हम दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो देखिए ऐसे बुनाई में दबा लेते हैं इसे बैक साइड में, सारे धागों को इकट्ठा करके हम ऐसे दबाते हुए लेके जाएंगे। तो 2-3 फंदे बुने और उसके बाद में आप दबा लें। जैसे देखिए यहाँ पर हम 2 फंदे बुनने के बाद में इन्हें हम बैक साइड में ही दबा लेते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ये हमने पिंक कलर के सारे फंदे हमने क्रीम कलर से बुन लिए हैं। और अब यहाँ से ये जो क्रीम कलर के फंदे हैं ये सारे हम पिंक धागे से बुन लेते हैं। और अब यहाँ से क्रीम धागे को तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं और अब आगे की तरफ हम ग्रीन और ये ऑरेंज धागा, इसे हम बैक साइड में बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ऐसे हम 2-3 फंदे बुनेंगे और उसके बाद में हम इसे दबा लेते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रीम कलर के सारे फंदे हमने पिंक से बुन लिए हैं। अब यहाँ पर ये ग्रीन कलर के जो 4 फंदे हैं ये हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं
ये हमने धागे चेंज कर लिए हैं। इस साइड का ग्रीन और क्रीम कलर हम इस साइड ले आए हैं और इस साइड का ये ऑरेंज और पिंक धागा हम इस साइड ले आए हैं। अभी देखिए ये राइट साइड है डोरमेट का, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुन लेना है। तो यहाँ पर ये चार ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से और ये पिंक फंदे हम पिंक धागे से और क्रीम फंदे हम क्रीम धागे से और ये ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक लाइन बनाई है, बिल्कुल इसी तरह से हमें चार बार और बुन लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर पहले बुनते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर चार लाइनें बना लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर भी हमने ये एक दो तीन चार चार लाइनें हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इससे आगे कैसे बुनना है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर के चार फंदे तो हम ग्रीन धागे से ही बुनेंगे। और अब यहाँ पर इस बार क्रीम कलर के ये चार फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक दो तीन और ये चार चार फंदे बुन लिए हैं। अब ग्रीन धागे को हम ऐसे दबा लेते हैं और अब ये बचे हुए क्रीम कलर के फंदे हम क्रीम धागे से ही बना लेते हैं। ये हमने क्रीम कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से क्रीम को हम ऐसे दबा लेते हैं और अब हम पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे। और देखिए यहाँ पर इस बार पिंक कलर के ये चार फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो पिंक को हम ऐसे दबा लेते हैं और अब यहाँ से ये एक दो तीन और ये चार चार फंदे हमने ऑरेंज धागे से बना लिए हैं और ये ऑरेंज फंदे भी हम ऑरेंज धागे से ही बुन लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। और अभी देखिए ये डोरमेट का सीधा साइड है, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के धागे से हमें बुन लेना है। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ पर बुना है हम तीन बार और बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है और यहाँ पर भी हमने फिर से ये एक दो तीन चार चार लाइनें हमने बना ली है। अब देखिए इससे आगे कैसे बुनना है ये हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये ग्रीन कलर के फंदे तो हम ग्रीन धागे से ही बुन लेते हैं। और यहाँ से देखिए इस बार हम क्रीम कलर के ये चार फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। ये एक दो तीन और ये चार। और अब यहाँ से ग्रीन को हम ऐसे दबा लेते हैं और क्रीम कलर के फंदे हम क्रीम धागे से बुनेंगे। तो ये हमने क्रीम फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम पिंक फंदे बुनेंगे। और देखिए इस साइड से इस बार पिंक कलर के ये चार फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। तो ये चार पिंक फंदे हमने ऑरेंज से बुन लिए और अब यहां से ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से ही बुन लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ये सीधा साइड है डोरमेट का, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के धागे से हम बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए जैसे कि हमने ये फंदे बुने हैं बिल्कुल इसी तरह से हम तीन बार और बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बना लिया है और यहाँ पर ये एक दो तीन चार चार लाइनें हमने बना ली हैं। अब देखिए यहाँ से आगे कैसे बुनना है। यहाँ से ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से ही बुनेंगे।
और देखिए यहाँ पर इस बार क्रीम कलर के ये चार फंदे हम ग्रीन कलर से बुन लेते हैं। यहाँ पर ये एक, दो, तीन और ये चार, और अब यहाँ से ये चार फंदे हम क्रीम कलर से बुन लेते हैं। ये एक, दो, तीन और ये चार, और अब यहाँ से चार फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे। एक, दो, तीन और ये चार, और ये चार फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो पिंक को हम ऐसे दबा लेते हैं, और अब यहाँ से ये एक, दो, तीन, चार, ये चार फंदे पिंक कलर के जो थे वो हमने ऑरेंज धागे से बुन लिए हैं। और अब यहाँ से ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, और अब इस साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी धागे से हम बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हम आपको तीन बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है, तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार लाइनें हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। तो देखिए हमने इसे इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है बीच की कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम ये क्रीम कलर और पिंक कलर के धागे को हम कट कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक ये सारे फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर के जो चार फंदे हैं ये भी हम ग्रीन कलर से बुन लेते हैं, और यहाँ पर ये जो धागा हमने कट कर दिया है इसे हम बैक साइड में बुनाई में ही दबाते जाएंगे। यहाँ से हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे, तो ये ग्रीन कलर और इन क्रीम कलर और ये पिंक कलर को हम ऐसे दबा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पिंक कलर के जो चार फंदे हैं ये भी हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। और यहाँ से इन धागों को हम बैक साइड में बुनाई में दबा लेते हैं। अब यहाँ से ये ऑरेंज कलर के सारे फंदे हम बुन लेते हैं, तो इनको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे दो तीन फंदे बुनकर हम इनको दबा लेते हैं, जिससे कि बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। तो देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से ये सीधा साइड है, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के धागे से हम बुन लेते हैं। ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से और ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हम तीन बार और बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहीं से फंदे बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन हमने बनाकर कंप्लीट करी है, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ से फिर से ये वाली डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आप एक बार और बना सकते हैं, जिससे कि ये और बड़ी साइज में बनकर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद में आप फंदे बंद कर सकते हैं। तो जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर यहीं से फंदे बंद कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम दो दो फंदे बुनते हुए सारे फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे, और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे, और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो पहले हम ग्रीन कलर के फंदे बंद कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन कलर के सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब यहाँ से हम ऑरेंज फंदे बंद करेंगे, तो ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बंद करेंगे। तो इस ग्रीन कलर के धागे को हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर देते हैं और इसे हम बैक साइड में बुनाई में ही दबाते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब आखिरी के फंदे को हम इस तरह से खींच कर लूज़ कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लेते हुए हम इसे कट कर देते हैं। और अब इस धागे को हम इस लूप से ऐसे निकाल कर यहाँ पर गांठ लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। तो इसी तरह से आप जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाई है वैसे ही आप यहाँ पर 2 से 3 बार और आप ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि डोरमेट और भी बड़ी साइज़ में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारा आज का ये डोरमेट डिज़ाइन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।